हेलो गाइस, तो अभी मेट्रो स्टेशन से उतरे और ऑटो में बैठ के इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया गेट की देंगे। बने रहे मेरे साथ, अभी दिखाते हैं इंडिया गेट आपको। ये आप देखें दिल्ली की बसें, दिल्ली की रोड और दिल्ली की बसें आगे से नीची पीछे से ऊंची। ठीक है, तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं इंडिया गेट पे। ये आप देख सकते हो फिलहाल एंट्री बंद कर रखी है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हो कुछ अच्छा सा और डेकोरेट करते होंगे इसको। ठीक है, और मेरे पीछे अगर एक बार आगे दिखा देता हूं, ये रहा इंडिया गेट। और मेरे पीछे की अगर मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रपति भवन है, वो दिख रहा आपको। ठीक है, ये पूरी परेड यहीं से होके जाती है। ये रहा। हे गाइस, फाइनली तो हम इंडिया गेट देख के आ चुके हैं और जितना पार्ट मैं दिखा सकता था आपको दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ज़्यादा आगे तक हम वहाँ नहीं जा सकते, तो अब हम जा रहे हैं राजू चौक में सिप्पी में, उसके बाद जाएंगे बंगला साइड। तो आगे की लोकेशन आपको साथ के साथ शेयर करता रहूँगा मैं, तब तक बने रहे मेरे साथ। हे एवरीवन, तो मैं फाइनली सिप्पी में पहुँच चुका हूँ, कनॉट प्लेस, जहाँ पर आपको हर एक टिकटॉकर, हर एक इंस्टा रील वाले, हर एक प्रैंक वीडियो बनाने वाले इसी जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, हेलो एवरीवन, ये मेरे को ले नहीं रहा वीडियो में, इसलिए मैं जबरदस्ती आ रहा हूँ वीडियो में, इसका भी हिस्सा बहुत बनता है। तो ये आप पीछे देख सकते हो, पूरा कनॉट प्लेस है, पूरा राउंड 360 डिग्री का सर्कल। ठीक है, जितना भी आप देखोगे, इंडिया की सबसे नंबर वन मार्केट और सबसे महंगी मार्केट अपनी यही है। ठीक है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ इतनी महंगी मार्केट में घूम रहा हूँ। ठीक है, खरीद भी लियो फिर है। हाँ जरूर भाई, चलो देखते हैं अब कहाँ जा रहे हैं फिलहाल। हे गाइस, तो मैं सिप्पी क्रॉस करके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जंतर मंतर है। ठीक है, सारा जंतर मंतर है आगे तक आप देख सकते हो, बट मैं पहले यहाँ जा चुका हूँ, इतना कुछ खास है नहीं, तो वही है बना रखा कुछ पुराना। तो इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ बंगला साहिब। ठीक है, तो अब बंगला साहिब जाएंगे, उसके बाद अपने रूम पे। तो बंगला साहिब जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बंगला साहिब जा रहे हैं। ठीक है, आप बस बने रहना मेरे साथ, मैं आपको सारी खबर देता रहूँगा। ये दिल्ली की बसें पीछे गई जो। हेलो गाइस, फाइनली मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुँच चुका हूँ। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारा गुरुद्वारा बहुत बड़ा है दूर दूर तक। ठीक है, अगर उस साइड की मैं बात करूँ तो उस साइड हमारे लंगर हॉल। ठीक है, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रहने के लिए जगह होती है। ठीक है, जैसे कोई भी बाहर से अगर रहने आता है टूरिज्म, या फिर अपने नॉर्मल में कोई अगर किसी को जगह चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एक बार मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे। ये देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे का रात का सीन है, ये करीब 7 बज चुके हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे मतलब अभी आ रहे हैं सारे गुरुद्वारे में मत्था टेक टेक के। आगे का फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया, अब बैक का फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पे आप आओ। ठीक है, मछलियाँ बहुत सारी है जैसे ये पानी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो जितना भी बना रखा है यहाँ पे बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो यहाँ पे। ये मेरा भाई रहा। हेलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या हुआ, थक गया क्या? अच्छा, थकावट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एनर्जी बहुत मिलती है। एक बार आप अंदर जाके बैठो, मत्था टेकोगे, शांति इतनी है कि मतलब दिल को अलग से सुकून मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा राउंड चक्कर लगा के यहाँ से जा रहे हैं सारे। अब हम भी जा ही रहे हैं। ठीक है, हम भी बस जाने वाले हैं, लंगर शुरू हो रहा है, लंगर खाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो लंगर घर है। ठीक है, लंगर चल रहा है, तो हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, तो मैंने सारा आपको ये गुरुद्वारा के बारे में बता दिया। ठीक है, अब घर जाते हैं, बहुत थक गए आज। ठीक है, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए। जय हिंद।